नमस्कार, मेरा नाम राहुल है और आज मैं आपसे डिसीजन मेकिंग के ऊपर बात करना चाहता हूँ। हम सब लोगों को 2400 घंटे किसी ना किसी लेवल पर डिसीजन लेना पड़ता है। कई बार छोटा मोटा डिसीजन होता है, जैसे कि क्या कपड़े पहने, कहाँ घूमने जाएं, क्या खाना खाएं। कई बार बड़ा डिसीजन होता है कि क्या नौकरी छोड़ें या ना छोड़ें, इसी शहर में रहें या किसी और शहर में रहें, रिलेशनशिप में टफ टाइम्स चल रहे हैं तो क्या ब्रेकअप से गुजर जाना चाहिए या अभी साथ रहना चाहिए। तो जो भी डिसीजन हम अपनी लाइफ में लेते हैं वो कहीं ना कहीं डिसाइड करते हैं कि हम किस तरीके के इंसान हैं और हमारी ज़िंदगी कहाँ जा रही है। तो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि किस तरीके से आप ज़्यादातर डिसीजन अपनी लाइफ में ठीक ले सकते हो। यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि गलत डिसीजन तो होंगे, लाइफ है, तो मतलब परफेक्शन आ ही नहीं सकता। कई बार आप सही निर्णय लोगे, कई बार आप गलत निर्णय लोगे, लेकिन कोशिश यही रहनी चाहिए कि ज़्यादातर समय आप सही निर्णय ले लो। अगर 70-80% टाइम आप राइट डिसीजंस ले रहे हो तो आप सही ट्रैक पे हो लाइफ में। ज़्यादातर समय जब भी हम गलत डिसीजन ले रहे होते हैं तो एक मुख्य कारण होता है इमीडिएट डिसीजन लेने का। हम तुरंत सोचते हैं कि ये ठीक है और मैं ये कर देता हूँ, और वहीं पर हमसे गलती हो जाती है। आपको डिसीजन लेने के लिए अपनी रीज़न वाली फैकल्टी को यूज़ करना पड़ेगा। आपको तय करना पड़ेगा कि क्या सही है, क्या गलत है, इवैल्यूएट करना पड़ेगा क्या ज़रूरी है, क्या गैर ज़रूरी है। लेकिन जब आप तुरंत डिसीजन ले लेते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप इमोशंस के ग्रिप में डिसीजन ले रहे हो, और इमोशंस आपकी जजमेंट की कैपेसिटी को बहुत ही कम कर देता है। इमोशंस आपका रियलिटी का परसेप्शन ही बहुत ज़्यादा नैरो कर देता है। अगर आपको गुस्सा है तो आपको कुछ नहीं समझ आएगा, उस वक्त बहुत ही लिमिटेड एक्शन आपको नज़र आ रहा होगा कि मैं ये कर देता हूँ। किसी भी इमोशन की ग्रिप में आप कभी भी अच्छा डिसीजन नहीं ले सकते हो। अच्छा डिसीजन लेने के लिए आपको अपने दिमाग का उपयोग करना पड़ेगा, आपको सही गलत में चुनाव करना पड़ेगा, प्रोज एंड कॉन्स देखने पड़ेंगे, नेसेसिटी और अननेसेसरीनेस देखनी पड़ेगी पूरे उस मैटर की जो अभी बहुत ज़्यादा अर्जेंट लग रहा है। और मैं जानता हूँ यहाँ पे बहुत सारे लोग कहेंगे कि कई बार आपको डिसीजंस जो हैं दिल से लेने पड़ते हैं, दिमाग से नहीं। मैं अच्छी तरीके से इस गेम को समझता हूँ, बट दिल से लिया हुआ डिसीजन का मतलब ये नहीं कि आप इमोशनल होके डिसीजन लो, इमोशनल होके पागलपन में कहो कि मैंने तो अपने दिल की आवाज़ सुन ली। नहीं, दिल से लिया हुआ डिसीजन का मतलब होता है कि आप तब डिसीजन लो जब आप एकदम शांत हो, एकदम मौन हो। अचानक से आपको ऐसा महसूस होता है कि हाँ, मेरे को अब पता लग गया कि राइट डिसीजन क्या है। और बहुत सारे पोएट्स, आर्टिस्ट, मैथमेटिशियंस, उनके साथ ये होता है जब वो एक प्रॉब्लम पे काम कर रहे होते हैं, एक पोएट्री के साथ स्ट्रगल कर रहे होते हैं, क्रिएटिव ब्लॉक से गुजर रहे होते हैं, तो उनका क्रिएटिव ब्लॉक एफर्ट से नहीं खुलता है, सोचने से नहीं जाता है, वो अपने आप जब वो कोई रिलैक्सिंग एक्टिविटी कर रहे होते हैं तब जाता है। कोई सोप बबल्स के साथ खेल रहा होता है तब उसे अचानक से इंसाइट आती है, इंस्पिरेशन आती है। कोई गार्डनिंग कर रहा होता है, जब भी कोई क्रिएटिव ब्लॉक से गुजर रहा होता है हमेशा रिलैक्सिंग एक्टिविटी ही उसे हेल्प करती है उस बैरियर को तोड़ने के लिए। तो एक अच्छा डिसीजन किस तरीके से आता है? एक अच्छा डिसीजन आता है जब आपने अपने सोचने की क्षमता को पूरी तरीके से एग्जॉस्ट कर दिया, आपने पूरा का पूरा दिमाग लगा लिया कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, फ्यूचर की पॉसिबिलिटी सारी इमेजिन कर ली, सारे ऑल्टरनेटिव्स के बारे में सोच लिया, और उसके बाद आप शांत बैठ गए। उसके बाद आप कुछ भी रिलैक्सिंग चीज़ कर रहे होगे, डिसीजन अपने आप आपके कॉन्शियस माइंड में ऐसा लगता है कि पॉप अप हो गया, और तब आप डिसीजन लो। ये होता है फॉलोइंग द हार्ट। तो सिर्फ और सिर्फ इतना करना है आपको कि जो भी प्रॉब्लम है, जो भी चैलेंज है, उसके ऊपर पूरी तरीके से आपको सोच विचार कर लेना है, और उसके बाद एकदम शांत मौन तरीके से डिसीजन पे पहुंचना है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम हीट ऑफ द मोमेंट में डिसीजन ले लेते हैं। जब भी हम बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं, उस नैरोड परसेप्शन ऑफ रियलिटी से जो हमें समझ आता है हम वही कर जाते हैं, और बाद में हमें उसका पछतावा होता है। तो रूल बड़ा सिंपल है, 24 घंटे के लिए बस आपको रुक जाना है डिसीजन लेने के लिए। मान लीजिए किसी ने आपकी इंसल्ट की, कोई आपका कलीग है, उसने आपको कुछ बुरा भला कहा और आपको वो चीज़ चुभ गई उस मोमेंट में, आपका मन कर रहा है कि आप पलट के उसे कुछ बोलो, बस 24 घंटे रुक जाओ। 24 घंटे अगर आप रुकोगे तो आप पाओगे कि उस रिएक्शन की जो अर्ज थी वो चली जाएगी। आपको 24 घंटे बाद लगेगा कि वो बड़ा बेवकूफ़ी वाला डिसीजन होता कि अगर आप उसे पलट के कुछ बोलते,
और यहाँ पे मैं रिप्रेस करने को बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। अगर 24 घंटे के बाद आपको लगता है कि मुझे उसको जवाब देना चाहिए तब दे देना, लेकिन अगर 24 घंटे रुक जाओगे तो शायद जवाब देने का मन ना करे। तो हमारी ज़िंदगी में छोटी छोटी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स जो आती हैं जिसकी वजह से हम परेशान होते रहते हैं, वो सारी की सारी चली जाएंगी अगर हम थोड़ा सा पेशेंस डेवलप कर लें और इमीडिएटली किसी कंक्लूजन पे पहुंच के डिसीजन ना लें। और यहाँ पे मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि हम सब लोगों का मेंटल मेकअप अलग अलग है। कई लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, कई लोग बहुत ज़्यादा रैशनल होते हैं। तो हो सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो तो 24 घंटे सफिशिएंट नहीं होंगे, हो सकता है आपको थोड़ा और समय लगे इमोशनल हैंगओवर लूज करने के लिए। तो अपने हिसाब से तय करना, इसमें कोई कंपटीशन नहीं है। अगर 48 घंटे तक आप पेशेंटली रुक जाओगे, हो सकता है उसके बाद आपकी रिएक्ट करने की अर्ज चली जाए। अगर एक हफ्ता रुक जाओ, हो सकता है तब चली जाए। तो धीरे धीरे इसको एक्सपेरिमेंट करो और ट्राई करो। इस वजह से बहुत सारे अननेसेसरी डिसीजंस आपकी लाइफ में चले जाएंगे। दूसरी चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना है तो भी आप पीरियोडिक इवैल्यूएशन कर सकते हो। राइट अभी कोई डिसीजन मत लो कि मैं नौकरी छोड़ूं या ना छोड़ूं। हर हफ्ते अपनी रैशनल कैपेसिटी को यूज़ करो, प्रोज एंड कॉन्स लिखो, सारी चीज़ें, सारी ऑल्टरनेटिव्स के बारे में सोचो, सारी पॉसिबिलिटीज़ के बारे में सोचो, और फिर उसके बाद आपका काम इतना ही है। अचानक से एक दिन जब आप रिलैक्स्ड होगे, कभी भी आपको लग सकता है, और वही होती है हार्ट की जो कॉल होती है, आपको समझ आ जाएगा कि क्या आपको नौकरी छोड़नी चाहिए या नहीं छोड़नी चाहिए। कोई भी बड़ा डिसीजन आपकी लाइफ का हो सकता है, किसी और शहर में मूव होना हो सकता है, या अपने पैसे से आपको गाड़ी खरीदनी चाहिए या मकान में इन्वेस्ट करना चाहिए, जो भी करना है आपको, इन सारे बड़े डिसीजंस में पीरियोडिक इवैल्यूएशन का इस्तेमाल ज़रूर करना। और आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर हम सब लोग इमीडिएट डिसीजन ना लेके उसे थोड़ा सा पोस्टपोन कर दें तो ज़्यादातर गलत डिसीजंस अपने आप लाइफ से चले जाएंगे। गलत डिसीजंस यही हैं जहाँ पे हमें लगता है हीट ऑफ द मोमेंट में कि ये बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट चैलेंज है और मुझे राइट अवे किसी कंक्लूजन पे पहुँच कर डिसीजन लेना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे, आपको एक फ़ोन ख़रीदना है, आपके अंदर एक इच्छा पैदा हुई है कि आपको नए फ़ोन की ज़रूरत है, ऐसा आपको लग रहा है, लेकिन आपने इवैल्यूएट नहीं करा है। आपने देखा कि एक ऑफर चल रहा है और आपने राइट अवे क्रेडिट कार्ड यूज़ करके फ़ोन ख़रीद लिया बिना सोचे समझे। कुछ दिन बाद आप रियलाइज़ करोगे कि अगर ना भी लेते तो भी काम चल जाता, और अब आप उसकी ईएमआई भर रहे हो। तो ये तो एक छोटा एग्जाम्पल हो गया। इसी तरीके से आप ज़िंदगी में बहुत सारे डिसीजन ले रहे हो, हर डायमेंशन में, रिलेशनशिप में ले रहे हो, अपने काम में ले रहे हो, अपने फाइनेंशियल डिसीजंस ले रहे हो, जिसकी वजह से पूरा का पूरा जीवन कई लोगों का नर्क बना हुआ है। तो थोड़ा अवेयर रह के आप पैटर्न ढूंढने की कोशिश करोगे, क्या आप इमीडिएट डिसीजंस की ग्रिप में तो नहीं हो, कहीं आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर डिसीजन तो नहीं ले लेते। अगर ऐसा है तो पोस्टपोन करना सीखो, उसकी वजह से आपकी पूरी ज़िंदगी बदलने लगेगी। यहाँ पे मुझे एक मूवी की याद आ गई, सिनिक डिकी न्यूयॉर्क नाम है उस मूवी का, उसकी कुछ लाइंस है, मैं आपको पढ़ना चाहूँगा वो लाइंस। देर आर अ मिलियन लिटिल स्ट्रिंग्स अटैच टू एवरी चॉइस यू मेक, यू कैन डिस्ट्रॉय योर होल लाइफ एवरी टाइम यू चूज, बट मे बी यू वॉन्ट नो फॉर 20 ईयर्स, एंड यू विल नेवर एवर ट्रेस इट टू इट्स सोर्स, एंड यू ओनली गेट वन चांस टू प्ले इट आउट। यही सच्चाई है हमारी ज़िंदगी की, एक छोटे से छोटा डिसीजन हमारी पूरी लाइफ का कोर्स बदल सकता है। हम कैसे लोगों के साथ उठना बैठना पसंद करते हैं, हम अपने खाली समय में क्या करना पसंद करते हैं, हम किस तरीके की किताबें पसंद करते हैं, किस तरीके के गाने सुनते हैं, किस तरीके की चीज़ें हमें एक्साइट करती हैं, ये सब तय करता है कि हमारी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आएगी तो हम उस पर किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, क्या हम उसका पूरा फ़ायदा उठाएंगे या उसे यूं ही जाने देंगे। तो छोटी छोटी चॉइसेस डिसाइड करेंगे कि आप अपनी ज़िंदगी में कहाँ पहुँचोगे। तो बिल्कुल भी केयरलेस मत हो, सिर्फ और सिर्फ इतनी सी आर्ट सीखनी है कि अपने डिसीजन मेकिंग की जो अर्ज है उसको थोड़ा सा पोस्टपोन कर देना है। इतना सा अगर आपने कर दिया तो ज़्यादातर डिसीजंस अच्छे होने लगेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे करोगे, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट।